जी बेसिकली हमारा जो शो था खतरा 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 वो बहुत बच्चों में फेमस हो गया था और वो शो लिटरली चमत्कार जैसा था हमारे लिए बिकॉज वो 20 एपिसोड की सीरीज थी जो 150 एपिसोड तक चला। तो कहीं ना कहीं उसके बाद लॉकडाउन के बाद बहुत सारे इश्यूज आने लग गए बिकॉज सबको पता है कि लॉकडाउन के बाद सबने मार सही है, तो शो कहीं ना कहीं आ नहीं रहा था। नेटवर्क से हम बात कर रहे थे बट कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रहा था। हम उनके साथ काम तो कर ही रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा था कि मेरी ये जिद थी क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद है, मेरे को मतलब काम वाम ना करवाओ बस मेरे को गेम्स खिलवा दो। तो कहीं ना कहीं वो अंदर की चीज़ नहीं होती वो हमको बड़ा था कि यार जो हम बिलीव करते वो चीज़ लेके आते हैं। तो अब क्या है कि नेटवर्क भी हम है, प्रोडक्शन भी हम है, एक्टर भी हम है, राइटर भी हम है, गेम भी हम बना रहे, खेल भी हम रहे, तो कोई टेंशन नहीं है, देखेंगे भी हम ही। यार सबके साथ मजा आया है बिकॉज यहाँ पर आकर सब बच्चे बन गए, मतलब सबने इतनी मस्ती की है, इतने मतलब इतना मजा हमको खतरा खतरा में नहीं आया था क्योंकि उसमें हम अलग गेम करते थे। यहाँ पर तो पूरा सेट ही गेम है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, टर्न टेबल है, रनिंग के लिए लंबी वाली ट्रेडमिल है, बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलने की चीज़ें हैं जो हमने इंडिया में एक्सप्लोर नहीं की है अभी तक। तो हम वो लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो लोग तो आके मतलब पागल ही हो रहे, इतना खेल रहे, इतनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये तो मैं सभी आर्टिस्ट से यही कहूंगा कि बिकॉज एक फोन पर सारे दोस्त आए और यही यूनिटी है इंडस्ट्री में। हम नहीं कहते कि यार इंडस्ट्री में ना जरूरत के टाइम पे कोई आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जब भी किसी को फोन किया क्योंकि यूट्यूब पर इस लेवल का शो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमने सोचा कि आर्टिस्ट को पैसे दे या शो में पैसे डाले, तो हमने शो में पैसे डाले और गेम्स बनाए। आर्टिस्ट सब फ्री में आए हैं, सबके सब फ्री में आए, किसी ने एक रुपया नहीं लिया और सबने इतनी मतलब इतने आगे आके हेल्प किए कि नहीं यार हम तुम्हारा शो करेंगे, हमको मजा आएगा, हम गेम खेलेंगे। कुछ कुछ को दो दो बार आ गए, मतलब एक बार आए तो मैं कल भी आ जाऊँ कि मेरे को मजा आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पागलपन देखने मिलेगा बिकॉज यहाँ पर इस शो में पहली बार 3 होस्ट होने वाले हैं। बहुत सारे एपिसोड है जहाँ पर मैं, भारती और आदि हम तीनों होस्ट करने वाले हैं। तो भारती, हर्ष एंड आदित्य नारायण तीनों एक साथ होस्ट करेंगे, सामने लोग गेम्स खेल रहे हैं। तो ये एक नयापन है जो हमने कभी टीवी में नहीं देखा क्योंकि तीनों के पैसे बड़े महंगे पड़ते हैं, दोस्ती में तो आ ही जाते हैं। तो हमने तीनों को हम तीनों होस्ट कर रहे हैं, कभी भारती कोई एपिसोड होस्ट कर रही है, कभी मैं कोई एपिसोड होस्ट कर रहा हूँ। बट ये आने वाला है फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 एपिसोड अ वीक ऑन भारती यूट्यूब चैनल। मेरा फेवरेट गेम है वो एक स्लाइड वाला गेम है जिसमें स्लाइड करते हुए आना और स्टेयर्स पे आपको चढ़ना है क्योंकि उसमें जब आदमी ऊपर चला जाता है किसी को ऐसे धक्का मारने में बड़ा मजा आता है, हम नीचे नीचे गिरा देते हैं। तो मेरे को सारे स्विमिंग पूल वाले गेम बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बोल के रखा हुआ है, मैंने बोला कि जब भी कोई पानी वाला गेम होगा ना तो मैं खेलूंगा, तो मैं भी चेंज करके गेम खेलने जा रहा हूं। मैं होस्ट भी कर रहा था फिर मैंने बोला अभी ये वाला नहीं करूंगा, मैं जाके अब पानी वाला गेम खेलूंगा। अच्छा, आखिरी दो सवाल पूछना चाहेंगे, भारती आपकी लाइफ पार्टनर है लेकिन बहुत ही मजा आता है आप दोनों को साथ में देखना, बट कभी कभी ये लगता है क्योंकि आप रियलिटी शोज में भी साथ में रहते हैं तो कभी वो लगता है कि और ह्यूमर कहां से आया या फिर ये आपकी नेचुरल केमिस्ट्री? ये अब इसे आप कहो कि मैंने कभी भी, भारती तो एक्टर है, बहुत मंजी हुई एक्टर है, मैंने कभी जेन्युइनली कोशिश भी नहीं की एक्टिंग की या कभी कुछ ऐसा नहीं, बस जो आता गया करते गए। तो कहीं ना कहीं मैं और भारती रिहर्सल भी नहीं करते, जब हमको स्टेज पर कुछ मुझे नहीं पता वो क्या बोलने वाली, उसे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला, तो आई थिंक कहीं ना कहीं यही ह्यूमर अच्छा लगता है, यही स्पॉन्टेनिटी लोगों को अच्छी लगती है। तो हम कभी भी अपने आप पे काम नहीं करते, हम बस जैसे हमें ऐसे ही है, जैसे दिख रहा है स्टेज पर, हम घर में भी ऐसे ही होते हैं। आखिरी सवाल, ये बार क्या बिग बॉस 15 अगर आप देख रहे हैं कुछ भी उस पे कहना चाहेंगे? बिग बॉस 15 में अभी तो पूरा जंगलवासी वाला जो चल रहा है, मैं तो देख रहा, अभी कुछ दिनों से 4-5 दिन से मैं नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं, बट मैं और भारती मतलब बाकायदा ऐसा देखते रहते बिग बॉस में, आज किसकी बात लगी, आज किसको गाली पड़ी, हम वीकेंड में देखते सलमान भाई किस पे गुस्सा करेंगे। लेकिन बिग बॉस में कभी भी इट्स टू अर्ली टू जज समवन, आई एम श्योर कि 2 महीने बाद ना सबके असली रंग दिखेंगे, सबकी असली गेम सामने आएगी, कौन कैसा है वो तब पता चलेगा। बट हम अभी होपफुली जाने वाले बिग बॉस में, कुछ हफ्तों में कभी ना कभी तो जाएंगे, तो हम मैं सबसे मिलूंगा और मैं बोलूंगा मीडिया बाहर पागल है, वो सब पूछ रहे हैं कि कौन कैसी गेम खेलने वाला है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, आपने जो भी देखा जी, आपको ऑफकोर्स आपके बहुत सारे पहचान वाले भी है, तो आप किसके लिए कुछ कहना चाहेंगे या फिर कुछ?
आई रियली वॉन्ट जय टू विन, मैं और उसका कोई रीजन नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा है या ये, बिकॉज मैं उसमें नहीं, बिकॉज जो घर में रहता है वो जानता है, बट यस आई लव हिम, मेरा बहुत अच्छा यार है, मेरे को बहुत अच्छा लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ जय भाई जीते। दिवाली के लिए तो हैप्पी दिवाली, और फैंस से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए भारती चैनल, भारती टीवी यूट्यूब पर है, तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर पूरा साल बहुत अमेजिंग अमेजिंग शो आने वाले। थैंक यू सो मच। ओके सर, तो हाउ इट फील्स टू बी हियर? पहली तो भारती जी है जी, तो उन्होंने पहले भी गेम शो किया था, ये उनका सेकंड ये है, तो आपने पहले ही देखा था कि कितने मजे करते, तो आप यहाँ पे शो में गेम्स खेल रहे हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, यू नो कोविड में पिछले 1 से 1.5 साल से घर बैठे हैं, तो बाहर निकलते सिर्फ शूट के लिए, तो अभी जब कुछ थोड़ा सा ऐसे मस्ती करने का मौका मिलता नहीं है ना, एक्सपीरियंसेस और कहीं मिलते नहीं है ऐसे आपको, या वाटर पार्क जाना पड़ता है, बट दैट इज़ ऑल्सो क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड, सो मैंने कहा व्हाई नॉट, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड एडमायरेशन फॉर भारती एंड हर्ष भाई, आई थिंक एवरीबॉडी द एंटायर कंट्री फॉर रियल, इवन आउटस्कर्ट्स यू नो आउट देयर, इवन पीपल हु आर नॉट देयर इन द कंट्री, इंडियंस हु आर देयर अब्रॉड, वी ऑल आर रियली रियली फॉन्ड ऑफ Harsh and Bharti is the way they make people smile, and this is why I think that's the most beautiful part about these people, and this is why, like, I'm one of the well-wishers along with a lot of people, so I'm here to just support both of them, so yeah. Okay, so aapne kitne games khele? Maine abhi tak ek hi game khela hai aur main wo haar gaya, so I'm not happy about that. Aapki competition mein kaun tha? Mere competition mein tha Ali, Jasmine and Harsh bhai. Harsh bhai to he's just like filling the fourth place for no reason. But yeah, Ali and Jasmine. But they're all hearts, both of them. So yeah, well, we are having a lot of fun. So while playing game, what was the most important and most enjoying part? Most important and most, जब उन्होंने बोला ना $1,000, मैंने calculate किया ना $1,000 कितना बनता है? Some shoes, like you know. So but that became very important for me. $1,000. मैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीबडी आउट देयर, प्लीज ट्राई एंड नॉट बर्न द क्रैकर्स, इंडिया रियली नीड्स अ पोल्यूशन कंट्रोल, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, मत करिए, एक साल आगे बहुत सारे साल हमारे देश का भला हो जाएगा, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।